भारत मुबैना कैंप को बहाना बनाकर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को बता दिया, भारतीय मीडिया को भी चैलेंज दे डाला। लिखा, पाक फौज ने भारतीय सूरमाओं का जो हशर किया है, इंडियन मीडिया में दम है तो वहां पहुंचकर दुनिया को दिखाए। भारतीय ज़राए अब्लाग को जिम्मेदाराना सहाफत के लिए पाकिस्तानी मीडिया से सीखने का मशवरा। बाजवा डॉक्टर आइन के बाय सब पाकिस्तान को डू मोर कहने की जरूरत नहीं, कौम ने बेशुमार कुर्बानियां देकर अमन कायम कर दिया। बरतानवी फौजी अफसर का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जबरदस्त खिराज तहसीन। आर्टिकल में लिखा, पाकिस्तान बदल चुका है, दहशतगर्दी खत्म, सरहदें महफूज हो गई, अमन की बहाली का सहरा सिपा सालार को जाता है। बरतानवी शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान का मकसद दुनिया को आज का पाकिस्तान दिखाना था। हुकूमती कमेटी के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। JUI का बड़ा यू टर्न, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलकर फिर बंद कर दिया। अपोजिशन के तहफ़ुज़ात पर बातचीत का अख्तियार रहबर कमेटी के सुपुर्द। रहबर कमेटी मार्च और मुज़ाकरात का फैसला कल के इजलास में करेगी। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत को संजीदगी दिखाना होगी। बिलावल भुट्टो का कराची से तब्दीली सरकार पर तंज़िया वार, कहा, हुकूमत को समझना चाहिए मुल्क चलाना क्रिकेट मैच नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा कल कराची का होगा। गदानी में पावर प्लांट का इफ्तिताह, PTI, MQM और GDA अरकान से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर सिंध PTI रहनुमाओं में इख्तिलाफात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। शहर में जारी मंसूबों पर भी इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी।